हेलो गाइस, गुड इवनिंग सारों प्यार भरी, सत श्री अकाल। कल मैच है पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल, ते देखते हैं कि कौन जितता है। इंडियन जर्नलिस्ट जो है कहने वो उन्हां दी प्रेडिक्शन की हैगी है कि कौन जितेगा, वो आप इस वीडियो में देखनी है। बट एज ए इंडियन मैं चाहवांगा कि ये हुण जो वर्ल्ड कप है, जिवें कि पहले आप चाह रहे थे कि इंडिया जीते, है ना, क्योंकि आप इंडिया तो हाँ तो चाहते हैं कि इंडिया ही जीते। बट हुण इंडिया इस वर्ल्ड कप तो बाहर हो गया है, जो सफर सी वो खत्म हो गया, क्योंकि आप सेमीफाइनल विच इंग्लैंड तो हार गए हैं। तो हुण आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ये जो वर्ल्ड कप है जीत जाए, तो इंग्लैंड हार जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने साढ़े उत्ते काफ़ी टाइम तक राज किया है। तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल विच इंग्लैंड तो जीत के इंडिया की हार का बदला लवे, तो अपने वास्ते एक कप होर इकट्ठा करे जिते, जिमें कि 1992 होया से। लगभग सब कुछ उवें ही हो रहा है, सारे टांके टूके उवें फिरते पे ने, कितना ना कितने पाकिस्तान जिमें उदों बाहर हो गया सी, हुण भी बाहर होने वाला सी। तो फिर एक ऐसा करिश्मा होया, एक ऐसा तुसीं कहो कि चमत्कार होया कि पाकिस्तान की टीम द्वारा तो फिर फाइनल विच प्रवेश कर गई है, एंटर कर गई है। तो हुण कल नूं मैच है पाकिस्तान वर्सिज इंग्लैंड फाइनल इन MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो कल का दिन पाकिस्तान की टीम वास्ते, पाकिस्तान हिस्टरी वास्ते बहुत वड्डा दिन है। इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दी की राय वे, की सोच है, कौन जीतेगा ते केड़ा की प्लेयर होएगा पाकिस्तान की टीम विच, वो आपां इस वीडियो च देखने आ। करदे आ वीडियो शुरू। ते वीडियो नूं शुरू करन तों पहला फटाफट साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, ते नाल दी नाल बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करो, ताकि तुहानूं साडे सारे वीडियोज़ ते नोटिफिकेशन मिल जाण। ते मेक श्योर कि वीडियो पूरी देखना। करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, और जो टीम नीचे से आकर सही वक्त पर पीक करती है वो टीम डेंजरस होती है। अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन होना है तो शादाब शादाब खान हैज़ टू बी द मैन। ये देखिए, आपको इन कलर से पता चल जाएगा कि कौन का पुकार है। रन आउट भी करना है, कल कैच भी नहीं छोड़नी, परफेक्ट डे आपका जाना चाहिए, तब आप फाइनल जीतोगे। तगड़ा मुकाबला होने वाला है। पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल कौन फाते होगा और कौन फेवरेट है, हमसे बात करेंगे विक्रांत गुप्ता साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान इंडिया दोनों ममालिक में लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। सर, कौन सी टीम आपको फेवरेट लग रही है? थैंक यू। टीमें तो देख, फाइनल में जो आई होंगी यार, दोनों बराबर ही होंगी। इंडिया ने जिस तरह से इंग्लैंड से हारा, और इंग्लैंड का मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा प्लस हुआ उस दिन, उनके जो बटलर हेल्स ने जिस तरह बैटिंग की है, मतलब इंग्लैंड फाइनली इंग्लैंड की तरह खेला है, वो उनको फ़ायदा है। बट इन कंडीशंस में आपके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैं पाकिस्तान को थोड़ा फेवरेट मानूंगा, बिकॉज आपकी टीम ना नीचे से आई, और जो टीम नीचे से आकर सही वक्त पर पीक करती है वो टीम डेंजरस होती है। सेमीफाइनल आपने डोमिनेट किया, अनलाइक इंडिया जो सेमीफाइनल में जाके हम दब गए, आप दबे नहीं, आपने चढ़ाई की सामने वाली टीम पे। और आपके पास जो 6 बॉलर हैं, मेरा मानना है कि वो आपको एडवांटेज देते हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं। शादाब खान की मैं बार बार बात करता हूँ, अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैम्पियन होना है तो शादाब हैज़ टू बी द मैन। बड़ा मैच है, आई थिंक आपको क्राउड भी आप ही के लिए जाएगा, क्योंकि भले 90,000 लोग तो नहीं आएंगे, बट मैं कहता हूँ 40 भी आएँ, 50 भी आएँ, 10-15 हज़ार तो इंडियन भी आएंगे। हाँ, और 80% जो सपोर्ट होगी, कम से कम मैं कहता हूँ, बल्कि ऑस्ट्रेलियंस भी आपकी टीम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते कि इंग्लैंड जीते। तो सपोर्ट आपके साथ हो, वो आपका वैसे ही जज्बा हौसला बढ़ जाता है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, बटलर्स और हेल्स ने इंडियन बॉलर्स को बड़े अच्छे से खेला, नो डाउट ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स शाहीन, नसीम, हारिस, आपको लगता है वो टफ टाइम देंगे? दे आर नॉट लाइक इंडियन बॉलर्स, इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये कंडीशंस उनको थोड़ी सी सूट भी करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बॉल हिलेगा, एडिलेड में बॉल हिला नहीं। इंडिया के बॉलर्स भी देखें, वो आपके पाकिस्तान के तो उन्होंने बैट्समैन आउट किए ही थे, exactly. तो बॉल वो भी हिलाते हैं, लेकिन वहाँ बॉल हिला नहीं, ड्राई थी कंडीशंस। इंग्लैंड के बॉल नहीं हिला, उनकी भी ड्राई कंडीशंस थी, यहाँ कंडीशंस थोड़ी अलग है, तो यहाँ पर नया बॉल स्विंग हो गई होगा। बट एट द सेम टाइम वही चीज़ पाकिस्तान के बैट्समैन पर भी आ गई ना, कि उनके भी जो नए बॉलर बॉल डालेंगे उनका भी बॉल हिलेगा, तो यहाँ पर शायद वो उस तरह का मैच नहीं होगा जिस तरह का एडिलेड हुआ। शायद 170 160 यहाँ पे विनिंग टोटल होगा। 100 में से पाकिस्तान को मार्क्स कितने? पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान को तो 100 ही देंगे, मार्क्स तो आपके अपने हैं ना, आप इम्तिहान में आए हैं तो आप अभी तक 100 में से 100 ही ले रहे हैं। अभी हमारे साथ स्पोर्ट्स जारी से हमारे यार सुशांत साहब मौजूद हैं। सुशांत, क्या लग रहा है आपको इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान फाइनल कप उठाता कौन लग रहा है आपको? ये देखिए, आपको इन कलर से पता चल जाएगा कि कौन कप उठा रहा है। मैं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे लग भी रहा है कि पाकिस्तान बहुत, हालांकि इंग्लैंड ऑन पेपर बेटर है, उनका जो फॉर्म लगा हुआ है वो भी मुझे लग रहा है बेटर है। बट पाकिस्तान के जिस तरीके से वापस आए हैं, और आई सेड इट अर्लियर आल्सो, मोस्ट डेंजरस साइड इन द टूर्नामेंट, आई थिंक उनके बल्लेबाज जो है ना, और आपके बॉलर्स जो हैं इस बड़े ग्राउंड में,
आपको बटलर आउट करना है। बहुत सारे लोग हेल्स भी कर रहे हैं इंडिया के मैच के बाद, लेकिन इंडिया जो हो गया हो गया, बटलर मेन है। और नीचे जो है आपके बॉलर्स, मेरे को लगता है नसीम पे कोई इतनी नज़र नहीं रख रहा, बट ही हैज़ बोल्ड रियली वेल, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। शादाब, हारिस, आई थिंक यू हैव टू मेनी वेपन्स इन बॉलिंग। अच्छा मुझे पता क्या लग रहा है, बटलर को शायद हम पकड़ लें, लिविंगस्टन को पकड़ना हमारे लिए चैलेंज। लिविंगस्टन, मैं ये बोल, लिविंगस्टन का पूरा टूर्नामेंट ठंडा गया, तो ये ना हो कि ही इज द बेस्ट फॉर द लास्ट, कल आ जाए तो उसके लिए, लेकिन शादाब काम आएगा। शादाब को फंसाना पड़ेगा लिविंगस्टन को, वो अटैक ही करेगा, मारने के लिए ही जाएगा, बट बड़े ग्राउंड में उसकी कैच नहीं कल छोड़नी है भाई। जो आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करा था ना फील्डिंग, जिस तरीके की न्यूजीलैंड की पुट्टी होगी थी फील्डिंग, उन्होंने पाकिस्तानी फील्डिंग करी थी, आपने न्यूजीलैंड वाली फील्डिंग करी थी। रनआउट भी करना है कल, कैच भी नहीं छोड़नी, परफेक्ट डे आपका जाना चाहिए, तब आप फाइनल जीतोगे। इंग्लैंड लड़के ही खेलेगा, इंग्लैंड का अगर आपने अर्ली विकेट्स भी ले लिया, कुछ कर भी दिया, तो इंग्लैंड चोक नहीं करेगा, इस तरीके से टक्कर देगा आपको। बट आई थिंक पाकिस्तान जिस मोमेंटम के साथ आ रहा है, जो मैंने आज बाबर का कॉन्फिडेंस देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने लड़कों को देखा है इकट्ठे होके, जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद भी यार आप उधर थे पर्थ के अंदर, हमने देखा था कि उनके कंधे नहीं गिरे थे। मैं बड़ा यूनिटी जो देखी है ना पाकिस्तान टीम में, आई थिंक दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल इवन आफ्टर जिम्बाब्वे लॉस, जो हुआ हुआ, बट साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से मारा है और न्यूजीलैंड को जिस तरीके से वन साइडेड मारा है, आई थिंक कल एज है। एनआई से विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट के ऊपर। तो रिकॉर्ड जो इनके पास है ना दिमाग के अंदर, एलिफेंट्स माइंड, सर क्या लग रहा है आपको इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान, आपकी बुक में फेवरेट कौन है? मैं इसमें T20 में फेवरेट ही रेट करना बहुत टफ होता है, और क्योंकि ये सबसे फिकल फॉर्मेट वाला गेम है। आप पता है ना कि जिम्बाब्वे ने हरा दिया पाकिस्तान को, नेदरलैंड्स ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, इंडिया ऑलमोस्ट हारते हारते रह गई थी बांग्लादेश से, तो इसमें प्रेडिक्शन तो करना, आई डू इट एट योर ओन रिस्क। तो बट ये है कि अगर हम मैचअप की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट होने वाला है। बैटल विद इन द बैटल्स हम बोलते हैं हमेशा, कि एक होता है कि खेती तो टीमें हैं, दो कंट्रीज हैं, बट बैटल विद इन द बैटल्स होते हैं। शाहीन शाफरीदी जब गेंदबाजी करना है, जॉस बटलर को, नसीम शाह जब गेंदबाजी करना है, एलेक्स हेल्स को, जो कि बहुत ही जिन्होंने पखिया बड़ी फॉर्मेशन गेंदबाजों की, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है फॉर द फैंस। एक प्योरेस्ट क्रिकेट फैन के नज़र से भी देखें तो बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है। अगेन इंग्लैंड की बॉलिंग भी काफ़ी टेस्ट करेगी पाकिस्तानी बैटिंग को, खासकर रिजवान को और बाबर आजम को। बॉलिंग कर रहे थे यहाँ पे, मार्क वुड ने भी बॉलिंग की है यहाँ पे। मार्क वुड की जो इंजरी थी वो उतनी भी मेजर नहीं थी जितनी की दाविद मलान की थी। दाविद मलान को ग्रॉइन इंजरी है जो कि रिकवर करने में टाइम लगता है। वुड को आप देखेंगे तो वो हमेशा, वो उनको बैक का प्रॉब्लम था, जो कि आई थिंक एक फाइनल मैच के लिए अपने बैक को थोड़ा रिस्क कर सकते हो, थोड़ा अपने आप को पुश कर सकते हो, थोड़ा वो करेंगे और इतने बड़े स्टेज पर वो ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है कि वो क्रिस जॉर्डन भी वो गेंदबाजी कर रहे, तो वही और स्पेशलिस्ट हैं। क्रिस जॉर्डन का प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार पड़ गई तो फिर वो कम बैक नहीं कर पाते, एक बार वो अपने आप को रिडीम नहीं कर पाते हैं। एक होता है कि पड़ गई तो आपने अगले ओवर में कम बैक कर लिया, अगली बॉल पे विकेट ले लिया, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको ज़्यादा भरोसा मार्क वुड पे है शायद। अच्छा मोहम्मद हारी जो विकेट कीपर हमारे बैट्समैन का सिर्फ कीपिंग नहीं कर रहे हैं, रिजवान ही कर रहे हैं, इंडिया मीडिया या इंडिया उनको कैसे देख रहा है, इमर्जिंग जो बैट्समैन है हमारे, आपको लगता है कि ये भी एक कॉन्टेस्ट देखना पड़ेगा कि इंग्लिश बॉलर्स वर्सेस मोहम्मद हारिस? मोहम्मद हारिस तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और एक सरप्राइज बैट्समैन हारिस हारिस रॉफ है वो तो गेंदबाज, बल्लेबाजी में वही मैं कह रहा हूँ ना कि अचानक से पाकिस्तान की टीम में जो लोअर ऑर्डर हैं वो आके परफॉर्म करने लग गए हैं, जो ओपनर्स के बाद है। पहले हम यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, उनके दो ओपनर को कर लो, दोनों में से एक को कर लो तो ओपनिंग मिल जाती है, और दोनों को कर लो तो आप बाकी के बल्लेबाजों को आउट कर सकते हो। सो गाइस ए सी वीडियो तुझे देखा कि जो इंडिया के जर्नलिस्ट है, भावें विक्रांत गुप्ता होवे, भावें सुशांत होवे, इन्होंने बड़े सही शब्दों में किया कि शादाब खान नू इस मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। शादाब खान एक ऐसा की प्लेयर होएगा कि जो पाकिस्तान नू वर्ल्ड कप जिता सकता है। जिवें दी फील्डिंग तुसी न्यूजीलैंड के खिलाफ की, वो अच्छी फील्डिंग सी, ते एवें दी फील्डिंग तुहानू इस मैच में कॉन्टीन्यू करनी पेगी। कोई कैच नहीं छड़नी, कोई रनआउट मिस नहीं करना, है ना, फील्डिंग वधिया करनी है, डाइव जिथे लोड पे डाइव लगाने, डाइव लगाओ, रन रोको, तुहानू इकट्ठे होकर यह मैच में परफॉर्म करना पेगा। यह लास्ट मैच है इस वर्ल्ड कप का, तुसी इन विच परफॉर्म कर लो, जीन जान लगा दो, तो तुसी इस वर्ल्ड कप नू अपने घर पाकिस्तान फिर ले जा सकते हो। तो जिवें दी कंडीशन है, कंडीशन पाकिस्तान नू सूट करेगी, एम सी जी की जो कंडीशन है वो पाकिस्तान सूट करेगी। एडिलेड की कंडीशन कुछ होर सी, उत्थे स्विंग नहीं सी, गेंद सीधी आ रही थी, पर इत्थे तुहानू स्विंग देखने को मिलेगा। तो मतलब वही गल हैगी, हुण जे इंग्लैंड की टीम बोलिंग करेगी उन्होंने भी स्विंग मिलेगा, तो पाकिस्तान के जो ओपनर है उन्होंने दिक्कत हो सकती है। बट पाकिस्तान के जो बोलर ने, छे बोलर, वो ज़्यादा खतरनाक ने एज कंपेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड की बैटिंग कैंट है, बहुत ही शानदार बैटिंग है, जिन्हें इंडिया की, इंडियन बोलर की
ਬੱਖੀਆਂ ਉਲੀੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਪੇਅਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਸ ਬੋਲਰ ਦੀ ਚਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ। MCG ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਸਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 90-92 ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਜਾਏ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ।